आज हम बनाएंगे मसाला बैंगन। बैंगन की ऐसी स्वादिष्ट सब्जी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मसाला बैंगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 kg बैंगन लिया है। इसे अच्छी तरह धो लेंगे और इसके डंडे को हम तोड़ेंगे नहीं, इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब एक चाकू लेकर इसे हम ऐसे बीच से कट करेंगे बैंगन को, दोनों साइड से, पूरा नहीं काटेंगे, इसे नीचे रहने देंगे लगा हुआ। और इस तरह से हम इसके अंदर का कीड़ा भी देख लेंगे। इसी तरह से हम सारे बैंगन को काट लेंगे और अब हम इसका मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच पीली सरसों ली है, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च के दाने और 1 लहसुन पूरी। इसे हम एक जार में डालकर अच्छी तरह से मसाले को पीस लेंगे। मसाला ग्राइंड हो चुका है और अब एक कढ़ाई में हम तेल को गर्म करेंगे। यहाँ पर 4 बड़े चम्मच तेल लिया है मैंने और अब इसमें 1 चम्मच पीली सरसों, अजवाइन, मंगरेल, सौंफ, इन सभी चीज़ों का फ़ोरन देंगे और अब हम इसमें पिसे हुए मसाले को डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी मसालों को अब हम 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे और इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। मसाले को 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि मसाले का कच्चापन चला जाए। मसाला पकना शुरू हो गया है, मसाला पक चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। पकने के बाद इसकी कलर चेंज हो गई है और अब इसी मसाले को हम निकाल लेंगे प्लेट में और इसमें 2 बड़ा चम्मच मसाला हम कढ़ाई में ही छोड़ देंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी और इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे और अब इसी ग्रेवी में हम बैंगन को पकाएंगे। अब जो मसाला हमने निकाला है उसे हम बैंगन में इस तरह से भरेंगे, बैंगन के बीच में इस तरह से मसाले को भरना है। अच्छी तरह से मसाले से कवर कर देना है। इसी तरह से हम सारे बैंगन में मसाले को भर लेंगे। और अब हम इसे ग्रेवी में पकाएंगे। इसमें हम बैंगन को डाल देंगे और इसे ढककर हम 20 से 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। बीच बीच में इसे हम खोलकर बैंगन को इस तरह से पलट देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं बैंगन आधी पक चुकी है। इसे बीच बीच में हर 5 मिनट पे खोल खोल कर इसे हम पलटेंगे। मसाला बैंगन रेडी है। देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है। इसे आप चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।